मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है माय यूट्यूब चैनल पे। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बेहतर ही होंगे और अच्छे ही होंगे। तो आज हम आपको लेके जाने वाले हैं मिडनाइट बाजार, जो कोरोना काल के अंदर बंद हो गया था। लगभग 2 साल बाद आज चालू हुआ है। चालू तो मेरा एक आध दिन पहले ही हुआ है, तो मतलब मुझे जानकारी आज हुई है, तो मैंने कहा क्यों ना आपको भी वहाँ का नज़ारा कराया जाए और दिखाया जाए कि मिडनाइट बाजार आगरा में कोठी मीना बाजार पे लगता है, तो कैसा लगता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि हमें लोकल मार्केट में नहीं मिल पाती हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ होती हैं काफ़ी। तो मैंने पिछली बार जो लगा था, काफ़ी सामान मैं लेके आया हूँ बहरहाल, और बहुत बढ़िया सामान भी मिलता है, भरोसेमंद सामान है। अभी तक जो भी सामान लेके आए बहरहाल, हम तो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हैं कि सामान हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है, सही चल रहा है और अभी तक बढ़िया चल रहा है। तो बहरहाल हम आपको लेके जाने वाले हैं मिडनाइट बाजार। तो माँ मिलते हैं पहुंचने के बाद, मगर उससे पहले मैंने कहा क्यों ना आपसे बता दें और आपसे मुलाकात कर लें एक बार, क्यों कल की हमारी नागा हो गई है। चलिए तो माँ पहुंच रहे हैं हम, और पहुंच के फिर दिखाते हैं आपको मिडनाइट बाजार और क्या क्या सामान नया आया है। कुछ अट्रैक्टिव चीज हो तो आप भी बिल्कुल देखना, और फिर देखते हैं आप भी, हम और आप देखते हैं। ये सागंज बाजार है, इधर हम होके जा रहे हैं। ये यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, यहाँ पे सब सामान मिल जाएगा। यार जाम बहुत है। भाई हम पहुंच चुके हैं कोठी मीना बाजार। ये देखिए कितनी रोशनी है। ये मिडनाइट बाजार, अभी अंदर जाएंगे गाड़ी पार्क करके, फिर आपको मिला दिखाते हैं। ये मिडनाइट बाजार की एंट्री, नो मास्क नो एंट्री। सैनिटाइज कर रहे हैं, टेम्परेचर भी चेक कर रहे हैं। अभी जब हम जाएंगे जब देखेंगे। तो हम आ चुके हैं मिडनाइट बाजार में, अंदर एंट्री कर चुके हैं। तो हम आपको अब दिखाना चालू करते हैं मिडनाइट बाजार क्या क्या स्टॉलें आई हुई हैं। चलो, तो फागुन महोत्सव मिडनाइट बाजार में जो स्पेशली है आज का। सोफा कम बेड जो कि 8,500 की कीमत बता रहे हैं, और सोफा ये इस तरह से बन जाता है, ये सोफा ही बन जाता है और बेड का भी काम कर रहा है, पहली चीज है। चलिए और आगे दिखाते हैं। कितने कितने के हैं? 120 का, 81 के, 50 के। चलिए, छोटे छोटे डॉगी हैं इसे बुला रहे हैं। भारी मात्रा में सामान है, मगर लेडीज से संबंधित है, काफी सामान है और काफी अच्छे प्राइसों में है। 150 रुपये तक की सेल लगी हुई है यहाँ पे, 100 रुपये तक, और 100 रुपये में भी बहुत सारे सामान है। बहरहाल एक का दुकान ही काफी सामान है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, केवल 100 रुपये में, केवल 150 रुपये में बहुत सारे सामान है। मतलब आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। बहरहाल एक बार यहाँ पे आके आप भी मौके का फ़ायदा उठाएं कि बाजार जो लगा हुआ है, 21 तारीख तक लगा हुआ है ये, 21 तारीख के बाद हट जाएगा। दुकान है, थोड़े से नज़दीक दिखाते हैं हम, ये देखिए भीड़ काफ़ी है, जिस कारण हम अंदर नहीं जाना चाहते। Thank you.
गाइस यहाँ पे काफी सामान तो ऐसे हैं जो कि 100 रुपए में पेयर, मतलब 100 के दो, जो कि आवाज लगा लगा के बेक रहे हैं। और मगर हैं सब लेडीज से संबंधित, तो थोड़ा सा मतलब हमारा बाजार में तो हैं, मगर अंदर घुस के क्या दिखाएं। चलिए फिर भी कोशिश करते हैं। पानी के कूलर हैं साहब, बिना पानी के भी ठंडी हवा देते हैं, इनका दावा कर रहे हैं ये यहाँ पे, तो उनका दावा कितना सच है कितना झूठ है देखते हैं आगे। तो ये देखो हवा तो काफ़ी अच्छी दे रहे हैं, बहरहाल छोटा साइज बेशक है मगर वाकई में हवा तो तेज है इसकी। मगर रेट अभी हमने ट्राई नहीं किए तो इसलिए रेटों का हमें मालूम नहीं है, मगर हवा तो शानदार है क्योंकि हमारा पसीना सूख गया। एक्वागार्ड का वाटर फिल्टर है और वैक्यूम क्लीनर देखा, ये वैक्यूम क्लीनर है जो कि 15,000 रुपये का क्लीनर के हैं। बिल्कुल कमी पावर है ना। तो कितने वाट का होता है ये आपका? 1400 वाट का है। 1400 वाट का ये बाहर बैठ रहा है वहाँ। क्रेडिट कार्ड तो हमने रख लिया ही फिलहाल, अभी आप क्या बोलना है? पानी स्पेशल का, हर वैरायटी का चार, बहुत बढ़िया अचार की दुकान है। मिड नाइट बाजार का ही पूरा बाजार है साहब, चल ही रहा है बहरहाल, अभी काफ़ी भीड़ भाड़ के साथ साथ चल रहा है। चलिए और अंदर लेके चलते हैं हम। ये कांच का काफ़ी सामान है, जो कप और गिलास सेट काफ़ी अच्छी वैरायटी में है। वाह वही वाह, मिड नाइट बाजार। अमेरिकन भुट्टा था, आगरा का मशहूर अमेरिकन भुट्टा। आ जाओ और आगे आ जाओ, ये हम और अंदर जा रहे हैं अभी। वाह भाई वाह, झूले देखा ऊपर, ये आएगा बिल्कुल मेन बाजार में। ये रेलगाड़ी भी खाती है, रेलगाड़ी कुदक कुदक के चल रही है। ओ भैया ये तो कुदक कुदक के चल रही है, कुदक कुदक के, और बच्चे काफी एंजॉय कर रहे हैं। देखिए कुदक चल रही है रेलगाड़ी, डायनासोर लेके जा रहा है इस रेलगाड़ी को। रह गए क्या, खुशी खुशी जा रहा है हंसता हुआ। ये तंदूरी चाय बना रहे हैं, बन रही है, बना रहे हैं। देखो ये तंदूर के अंदर से निकाल के बनाएंगे। अभी गए तंदूर उड़ा लिया है साहब, क्या डाल दिया, तंदूरी चाय तैयार हो रही है। वाह भाई वाह, तंदूरी चाय फॉलो गई। Thank you.
यहाँ तंदूरी चाय कंप्लीट आ चुकी है हमारे हाथ में और हम पीने जा रहे हैं, पी के बताते हैं इसका स्वाद कैसा है। सर तंदूरी चाय तो गंदी सी है यार, तंदूर का तो नाम है। तो सर चाय हम पी चुके, तंदूरी चाय हमने पी के देख ली, चाय तो खैर बढ़िया थी मगर जो तंदूर था वो ठीक था मेरा, तो तंदूरी चाय लगभग अपने सही थी। चलिए तो हम आपको अब पापड़ दिखाना चाहते हैं, यहाँ थोड़े बड़े बड़े पापड़। ये है आगरा पापड़ भंडार, आगरा पापड़ भंडार काफ़ी बड़े बड़े पापड़ हैं, 20 रुपए का एक पापड़ है और बाकी ये अपने किलो के हिसाब से ही बेच रहे हैं। चलिए और आगे दिखाते हैं। जितना पुराने दिन है पुराने दिन याद आ जाते हैं, क्योंकि ये खेल बहुत पुराना है, जो छर्रे की बंदूक से गुब्बारों पर निशाने लगाना, उसमें बड़ी बहस होती थी हमें कि किसका निशाना कितना तेज है। तो बहरहाल पुराने दिन लौट के आते हैं यहाँ पे। ये साहब 6 बॉल हैं, 6 बॉलों से नंबर बनाने हैं और नंबर इस प्रकार हैं 12, 18, 24, 30, 31, 33, 33, 34, 35, 36। जैसे कि 2 बॉल गई आपकी, 1 बॉल गई 1 नंबर में, दूसरी बॉल गई आपकी 4 नंबर में, तो आपके बनते हैं 1 और 14, तो 14 नंबर इसमें खाली है, 14 नंबर पर कुछ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से अगर 12 बनाते हैं, 18 बनाते हैं, 24, 30, 31 उस पर आपको जो सामने जो नंबर लगे हुए हैं इन पर इनाम मिलेगा। तो ये बहरहाल इनाम वाला सौदा है। चलो और आगे दिखाते हैं। ये है रिंग मास्टर, ये हाथों में रिंग है भैया के और ये रिंग डलवा दें। कितने ही रिंग है, 50 रुपये की, कितनी 50 रुपये की 8 रिंग है और इन जिस प्रोडक्ट पर डालेंगे वही प्रोडक्ट आपका है, चाहे वो 100 रुपये का हो चाहे वो 200 रुपये का हो। ब्रेक डांस झूला है मगर हमारे आते आते शायद ये बंद होने वाला है और ये रोक रहे थे, चलो इसे चालू हो जाने देते फिर दिखाते हैं। डिस्को डांस वाले झूले में भी टाइम है, जब तक ये नाव चल रही है नाव दिखाते हैं आपको कि वो नाव वाले बड़ा अल्लाह में जा रहे हैं, बहुत अल्लाह में जा रहे हैं नाव, देखो ना भाई साहब राडे काट रही है नाव तो, वाह वही वाह नाव वालों भैया ऊंचे वाले पे हमारे तो बस की है नहीं है, नीचे से झूलना है आगे झूल जाए, ये बड़ा वाला झूला चल रहा है हमारे तो बस की है नहीं, तुम में तो किसी के बस की हो तो झूल जाओ, हमारे ना है बस की साहब, हम तो जमाई से आवाज लगा के मच जाएंगे। ये डिस्को डांसर वाला झूला चालू, ब्रेक डांस हो रहा है भैया, ये चीख चीख के इसमें कई लेडीजें चीखा चीख लगी हैं, बहुत से करंट लग रहा है और बहुत से करंट नहीं लग रहा है, इनके चेहरे की रौनक उड़ गई है। ये शक्तिमान गया देखो, ये शक्तिमान झूल रहा है इसमें खड़ा खड़ा, ये मैया घूम गए। चीकम चाक चल रही है साहब, यहाँ तक तो हम हट रहे हैं, ये झूले कम है चीख रहे ज्यादा, इधर नाव चीख रही है इधर ब्रेक डांस चीख रहे हैं। तो वही यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं अपनी दुकान आगे देखते हैं। तो देखो साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, छोटे छोटे बच्चे जहाज उड़ा रहे हैं वो भी जमीन पे ही, तो देखिए साइंस की तरक्की, और जहाज उड़ाने में लगे पड़े और कुछ बच्चे यहाँ मदरगस्ती कर रहे हैं, ये देखो कुछ बच्चे जहाज उड़ा रहे हैं कुछ बच्चे मदरगस्ती कर रहे हैं, जहाज दिखाओ जहाज जहाज उड़ा, अरे एक बच्चे की कमी है बस, छोटे छोटे बच्चे जहाज पूरी तरह से उड़ा रहे हैं, वाह वाह साइंस की तरक्की, बच्चे जहाज उड़ा रहे हैं। चलिए साहब बच्चे तो जहाज उड़ा रहे हैं और कुछ बच्चे ये मदरसती कर ही रहे हैं, मैंने दिखाई दी है आपको, तो और दिखाते हैं और कुछ नज़ारा बढ़िया होता है तो। साहब तो हम निकले आए बाहर और अब यहाँ से अपनी गाड़ी उठाते हैं और घर की तरफ रवानी करते हैं। तो आज के ब्लॉग में हमने दिखाया आपको मिडनाइट बाजार,
जो कि आगरा में कोठी मीना बाजार पे लगा हुआ है। आप भी इसमें आइए और जो आपको उचित लगे और जो अच्छा लगे वो ख़रीदारी कीजिए। ख़रीदारी करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम भी आ चुके हैं पार्किंग पे, हम भी अपनी गाड़ी यहाँ से उठाएंगे और सीधे भागते हुए घर जाएंगे क्योंकि थकन बहुत हो गई है, थक बहुत गए हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है। चलिए तो फिर आज का ब्लॉग तो यहीं करते हैं ख़त्म। अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात करेंगे। जब तक रखें अपना ख्याल, मुझे रखें दुआओं में यार। दोस्तों मैंने ब्लॉग तो वहीं पे समाप्त कर दिया था, मगर मैं एक ज़रूरी बात कहना आपसे भूल गया था, इसलिए फिर दोबारा मुझे आना पड़ा। तो ख़ास तौर से मेरा आपसे अनुरोध है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे इस वीडियो के कैसी वीडियो आपको लगी उसके बारे में बताएं। और ऐसे धमाकेदार वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर पुराने हैं तो लाइक शेयर करें, और नए हैं और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बड़ी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं और भी इस तरह की वीडियो और धमाकेदार वीडियो बना के आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अभी तो ये मिडनाइट बाजार लेके गया हूँ मैं, मगर मेरा आगे का प्लान भी बहुत अच्छा है और आगे बहुत कुछ सोच रखा है बहरहाल मैंने। तो बस आपसे यही गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें जिससे मेरा भी हौसला थोड़ा सा बुलंद रहे और मैं भी अच्छे से अच्छा काम करूँगा आपके लिए। चलिए ठीक है, जब तक अपने रखें ख्याल, हमें रखें दुआओं में याद। मिलते हैं आगे ब्लॉग में। अब ब्लॉग पूरी तरीके से अब ख़त्म करते हैं। ओके।